डेट है 3 जून 2024। टाइम हो गया शाम के 5:50। 127 अब मेयर एक्सप्रेस आज HPO 20 SC 78 लोकोमोटिव के साथ आ रही है और सनामा पहुंचेगी तकरीबन 6:15 तक, यानी 23 मिनट लेट हो जाएगी। तो अभी जब तक ट्रेन नहीं आती तो आज आपको जो है ना मैं लोकोमोटिव लिस्ट बताता हूँ कुंदिया लोको शेड के, जो 80 वाली जो पावरें हैं HPO 20 सीरीज़ में, कि वो कुंदिया शेड में इस टाइम कितनी है और टोटल कुंदिया शेड की पावरें हैं कितनी और कितनी डिलीट हो चुकी हैं, कितनी डिस्पैच्ड होनी है सीरियल वर्कशॉप से, और यानी कि जो एक्सीडेंटली डैमेज हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो इसमें वो लोकोमोटिव नहीं बताऊँगा जो यानी कि परमानेंटली पहले डिलीट हो चुके हैं 2020 से पहले पहले, तो उसकी जो है ना खास मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं HPO 20 SC 30 से, यानी जो कि परमानेंट लिंक पर चल रहा है हर दूसरे दिन 127 129 के साथ आता है। तो ये कुंदिया शेड इंजन है वर्किंग में। इसके बाद आता है HPO 20 SC 35, ये सीरियल वर्कशॉप रावलपिंडी में काफ़ी अरसे से जो है ना गया हुआ है 2 साल से, तो ये देखते हैं पता नहीं कब बन के आता है, वैसे है कुंदिया बेस्ड लोकोमोटिव। इसके बाद HPO 20 SC 40, मेरा मोस्ट फेवरेट इंजन, आज 129 वर्किंग कर रहा था सुबह मुल्तान से रावलपिंडी के लिए, तो ये भी वर्किंग में कुंदिया शेड का इंजन है। तो इसके बाद HPO 20 SC 41, ये भी कुंदिया शेड का इंजन है, PSC साइड पर यानी पिशावर कैंट साइड पर अभी वर्किंग कर रहा है। इसके बाद HPO 20 SC 43, जो कि हाल ही में रिफर्बिश्ड होकर रहता है, ये भी कुंदिया शेड का इंजन है और सही सलामत वर्किंग में। इसके बाद HPO 20 SC 45, ये भी एक्सीडेंटली डैमेज हुआ था लेकिन तकरीबन 6 मंथ सीटल वर्कशॉप में रहने के बाद अगेन बन के आ गया और काफ़ी सारे ट्रिप इसने ब्रांच सेक्शन के लगाए हैं कुंदिया से मुल्तान के लिए, अब कुंदिया शेड में है वर्किंग में। इसके बाद HPO 20 SC 47, ये इंजन जो है ये तकरीबन 2.5-3 साल से सीरियल वर्कशॉप में है और इसका अभी कोई पता नहीं है कि ये बनेगा या नहीं। इसके बाद इंजन आता है जी HPO 20 SC 50, कुंदिया लोको शेड का इंजन HPO 20 SC 50,
ये इंजन भी जो है ना वर्किंग में रहा है कुछ अर्सा पहले ही, इधर जो है ना वर्किंग करता रहा है इधर रावलपिंडी से मुल्तान और मुल्तान से रावलपिंडी। तो ये इंजन जो है कुंदिया बेस का वर्किंग में, इसके बाद HP20 SE51 ये सीरियल वर्कशॉप में 8035 के साथ गया था ये 8051। तो अब इन दो इंजनों में से 8035 या 8051 में से एक इंजन बनेगा और एक परमानेंटली डिलीट होगा, ये कुंदिया शट का इंजन है। इसके बाद HP20 SE52 ये भी कुंदिया शट का इंजन है और काली ये वर्किंग में आए डाउन गुड्स ट्रेन के साथ पिशावर से दाऊदखेल तक। इसके बाद HP20 SE53 दो दिन पहले इसका जो ना मैंने सफ़र किया था 1-8 डाउन के साथ, तो ये भी वर्किंग में है, कुंदिया का इंजन है। अभी हिटाची सीरीज़ के जो HP20 सीरीज़ में इंजन है ये रावलपिंडी के भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुंदिया शट के इंजन सारे जो कि 2020 से 2024 तक वर्किंग में हैं और आजकल भी वर्किंग कर रहे हैं, जो यानी कि डिलीट हुए हैं परमानेंटली या डिस्पैच में सीरीज वर्कशॉप से, तो 8053 तक पहुँच गए थे। इसके बाद आता है HP20 8060, ठीक है, कुंदिया लोको शट का इंजन है, लेकिन अभी ये पिशावर साइड पर वर्किंग कर रहे हैं यानी कि इधर कुंदिया में नहीं है। इसके बाद HP20 SE62 ये भी पिशावर साइड पर वर्किंग कर रहे हैं, वैसे कुंदिया शट का इंजन। इसके बाद HP20 SE67 ये नोतक और बखर के दरमियान ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हिट हुआ था और ये जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया गया इंजन। 8068 इसके बाद आता है, वो जो है ना आज 130 वर्क कर रहा है कुंदिया से मुल्तान के लिए। इसके बाद 8069 8069 ये कल 130 डाउन इसने वर्क की है मुल्तान से कुंदिया से मुल्तान के लिए। इसके बाद HP20 SE71 ये तकरीबन 3 साल के बाद सीरियल वर्कशॉप से डिस्पैच हुआ है, कुंदिया आया है यानी अपने शेड, लेकिन फिर इसको जो है सीरियल वर्कशॉप में भेज दिया गया, कोई इसका जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम बाकी होगा, तो वो भी हफ्ते के बाद तकरीबन आ जाएगा अगेन वर्किंग में नज़र आएगा आपको। इसके बाद HP20 SE75 कुंदिया लोको शेड का इंजन है और अभी दाऊदखेल साइड पर जो है वर्किंग कर रहा है गुड्स ट्रेन के साथ। इसके बाद HP20 SE76 ये भी सीरियल वर्कशॉप में कुंदिया शेड का इंजन। HP20 SE78 आज 127 वर्क कर रहा है, इसकी वीडियो जो है इस वीडियो के बाद लगाई जाएगी, ठीक है। HP20 SE79 आज 128 डाउन रावलपिंडी से मुल्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद आता है जी HP20 SE82, ये भी कुंदिया शेड का इंजन है और काफ़ी अर्सा इसने जो ना लेंक की गाड़ियों को जो है ना लीड किया है इधर मुल्तान से कुंदिया के लिए। तो ये इंजन जो है अभी मुल्तान में, मुल्तान लोको शेड में और शंटिंग वर्क कर रहा है मुल्तान में, शंटिंग इंजन के तौर पर वर्किंग कर रहा है HP20 8082। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में जो है ना वापसी कुंदिया भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये लेंक की पावर है, लेंक की पावर का मतलब जो 127, 128, 129, 130 टाउन को लगती है, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन की पावर लगती है उनको कहते हैं लेंक की पावर है। 8082 जो है ये लेंक की पावर है, बहुत जल्द इसको जो है हेडक्वार्टर से आकर कुंदिया वाले अपने शेड में वापस मंगवा लेंगे, अभी ये शंटिंग इंजन का वर्क कर रहे हैं। इसके बाद HP20 8084 कुंदिया शेड का ऐसा इंजन जो कि तकरीबन 2 साल से सीरियल वर्कशॉप में एक्सीडेंटली डैमेज हुआ था, ये भी 122 टाउन रावी एक्सप्रेस के साथ इधर लाहौर साइड पर शेखपुरा साइड पर, ये जो है ना बहुत जल्द बन आएगा और इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन है कि ये वर्किंग में आने वाला है, यानी इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद कुंदिया शेड का कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो अभी वर्किंग में हो। 8083 आता है, 8083 रावलपिंडी शेड का इंजन है और 8088 8087 8088 डिलीट हो चुका है, 8087 है वो भी रावलपिंडी शेड का इंजन है। ये सारी इंजन की इन्फॉर्मेशन थी जो कि रावल कुंदिया शेड के हैं, रावलपिंडी शेड के इंजन की इन्फॉर्मेशन अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत लंबी हो जाएगी, वो फिर किसी और वीडियो में। अगर इसमें मैंने कुछ कोई गलत बता दूँ इंजन का, अगर आपको पता था प्रोडक्शन का, तो अभी 127 अब मेयर एक्सप्रेस 8078 के साथ सनावा लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है। अब टाइम हो गया है शाम के 6:15, 24 मिनट 127 अब लेट है और डेली तकरीबन 127 अब आजकल तो लेट ही होती है और 129 भी लेट होती है, हालांकि 129 7 बजे चलती है मुल्तान से और इसका क्रॉस भी रास्ते में यानी कि किसी ट्रेन के साथ नहीं होता। वैसे तो मियार एक्सप्रेस साथ होता है लेकिन रोका मियार एक्सप्रेस जाता है, इसको थ्रू किया जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेन जो है 1:50 1:55 लगाती है, 8:40 45 55 तक आती है। ये शायद कोई ट्रैक वगैरह का मसला होगा, रास्ते में कोई कॉशन वगैरह लगे हुए होंगे। तो 127 के लिए मेन लाइन का सिग्नल डाउन है क्योंकि ये ट्रेन जो है हमेशा प्लेटफार्म लाइन पर ही जाती है सनामा में। तो 127 आप आज इसी जगह से देखेंगे 55/5 किलोमीटर मार्कर नंबर से और ट्रेन अच्छी स्पीड से आ रही है आज, तो वैसे हवा चल रही है तो धूल जो है ना ज़्यादा नज़र आ रही है।
मुल्तान से 4:25 पर आज चले जी 127, 10 मिनट लेट। तकरीबन 65 की स्पीड से पास हुई है आज 80-78 के साथ।